एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th, भारत भौतिक पर्यावरण। भारत की स्थिति। अक्षांशों के अनुसार भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय में और भारत का उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह स्थिति भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। देशांतरी विस्तार के अनुसार देश के पूर्व व पश्चिम हिस्सों में समय में 2 घंटे का अंतर है। देशांतर रेखाओं के मान की बात करें तो लगभग इनमें 30 डिग्री का अंतर है। उत्तर पूर्व राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। क्षेत्रफल भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। विश्व का 7वां बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में संरचना व भू आकृति। माना जाता है कि पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी पर अंतर्जात और बहिर्जात नाम के 2 बल काम करते हैं, तो इतने लंबे समय में अनेक परिवर्तन हुए। इन बलों ने पृथ्वी की धरातली व अधरातली रूपरेखा तय करने में भूमिका निभाई है। इंडियन प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट हिस्सा थी। इंडिया प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। संरचना के सेल के आधार पर भारत का विभाजन। पहला प्रद्वीपी खंड सीमा कटिपटी कैम्बियन काल का है। कच्छ से शुरू होकर सीमा गंगा डेल्टा तक है। इसके उत्तर पूर्व में करबी एक लाख मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान, प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट का बना है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, हलचल रहती है। एग्जाम्पल के लिए नर्मदा तप्ती महानदी की रिफिल वैल्यू, सतपुड़ा अवशिष्ट, आरावली पर्वत, जवादी नवाली इत्यादि। नोट, पूर्व की ओर बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। दूसरा, जहाँ एक तरफ महाद्वीपीय खंड कठोर और स्थिर है, वहीं दूसरी तरफ हिमालय और बाकी प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं दुर्बल और लचीली हैं। एग्जाम्पल के लिए गर्ज बी आकार की घाटियां, जलप्रपात आदि। तीसरा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान एक भू अभिनीति गर्त है, जो कि हिमालय पर्वतमाला निर्माण के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुआ था। 1000 से 2000 मीटर इन मैदानों में जलोढ़ की गहराई है। भू आकृतियों में भारत का विभाजन। पहला, उत्तरी पर्वतमाला, हिमालय व उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, बहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। हिमालय भारत व मध्य एवं पूर्व एशियाई
देशों के बीच एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा है। हिमालय जलवायु अपव्यय व सांस्कृतिक विभाजन है। हिमालय के उपखंड कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय एग्जाम्पल के लिए कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पंजाल बी नंबर में, हिमालय व उत्तरांचल हिमालय सी में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय डी में, अरुणाचल हिमालय ई में, पूर्वी पहाड़ियां व पर्वत करेबा दर्रा चिकनी मिट्टी व कुछ दूसरे पदार्थों का मोटी परत के रूप में जमा होना के लिए प्रसिद्ध है। जफरान की खेती की जाती है। तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा वैष्णो देवी 4A शरीफ दक्षिण भाग में अनुधेर घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें इन दून कहा जाता है, जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून या कश्मीर ए नंबर में कश्मीर उत्तर पश्चिम हिमालय में है। बी नंबर हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं इसी में पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण नगर रानीखेत, धर्मशाला, मसूरी, कसौटी, अल्मोड़ा, लेंसडाउन, महत्वपूर्ण स्थलकृति शिवालिक व दून, देहरादून, नालागढ़ दून इत्यादि। बहद हिमालय में भोटिया जनजाति रहती है। फूलों की घाटी भी इसी में है। 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड सहित यहाँ स्थित है। सी पश्चिम में नेपाल हिमालय व पूर्व में भूटान हिमालय से घिरा है। तिस्ता नदी यहीं बहती है। लेपचा जनजाति मिलती है। अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बगान लगाए। ऑर्किड के लिए प्रसिद्ध है। डी भूटान हिमालय से डीफू दर्रे का फैला है। इसकी सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। मुख्य चोटियां कमातू और नमचा बर्मा है। बारहमासी नदियां जो जलप्रपात बनाती हैं मिलती हैं यहाँ पर। लोहित प्रमुख नदी है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता काफी है। विशेषता बहुत सारी जनजातियों मिसी, मिसमी, नागा, मोगपा निवास करती हैं जो झूम खेती करती हैं। ई दिशा उत्तर से दक्षिण। ये पहाड़ियाँ स्थानीय नामों से जानी जाती है, जैसे पटकोई, बुम, नागा उत्तर में, मिजो या लुसाई दक्षिण में, लोकताऊ झील यहाँ पाई जाती है जिसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, कारण चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बना है। पूर्व पश्चिम इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, गहराई 1000 से 2000 मीटर। उत्तर से दक्षिण में मैदान 3 भागों में बटे हैं। भागर तराई
जलोढ़, भागर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई पतली पट्टी है। दक्षिण में तराई क्षेत्र है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, जो नदियाँ भागर में विलुप्त होती हैं वे यहाँ आकर प्रकट होती हैं। जलोढ़ में खादर और बांगर है और समय समय पर यहाँ बाढ़ आती है। इस मैदान में बहने वाली नदियाँ विश्व के बड़े डेल्टा बनाती है। सामान्य तौर पर सपाट मैदान है जो जलोढ़ का बना है व समुद्र तल से 50 से 100 मीटर ऊंचा है। यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट आदि फसल उगाई जाती है। प्रदीपी पठार कटा फटा 600 से 900 मीटर ऊंचा भूखंड है, जो कि नदी के मैदान से 150 मीटर ऊंचा उठता है। बहुत से पठारों, हजारीबाग, कर्नाटक, पलायू आदि से मिलकर बना है। आमतौर पर पश्चिम से पूर्व इनकी उत्तर में कम होती है। प्राकृतिक जल संग्रहक ब्लॉक, भ्रंश घाटी, नग्न चट्टान आदि पाए जाते हैं। पश्चिम व उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। भूकंपी हलचलें होती रहती हैं। चंबल, भिंड, मुरैना आदि जटिल खंड पाए जाते हैं। भाग 3, दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भूभाग और तीसरा उत्तर पूर्वी पठार। पहला दक्कन का पठार, औसतन ऊंचाई 1500 मीटर, सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी और दूसरी ऊंची चोटी डोंडा बेटा है। मध्य उच्च भूभाग आरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। कुछ कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर स्लेट। समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। और तीसरा में उत्तर पूर्वी पठार, हिमालय उत्पत्ति के समय अलग हुआ था। मेघालय का पठार 3 भागों में बटा है, गारो, खासी और जयंती। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। वनस्पति ना के समान है। भारतीय मरुस्थल रेतीले टीले व बरखान का ऊबड़ खाबड़ भूतल है, जो शुष्क व वनस्पति रहित है। इसकी धरातली आकृतियाँ भौतिक अपक्षय व पवन से बनी हैं। ढाल के आधार पर विभाजन 2 भागों में है। पहला सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और दूसरा कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात का कच्छ, काठियावाड़ तट, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, मालवार, ये सब के बीच में संकीर्ण है, मगर उत्तर व दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। कपाल ब्लैक वाटर विशेष स्थलाकृति मछलियां पकड़ने व नौकायान के लिए प्रयोग होता है। हर साल नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी
बलामकली आयोजित होती है। पूर्वी तट चौड़ा व उभरा हुआ है, यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। उभार की वजह से यहाँ पतन व पोता श्रय कम हैं। यहाँ महाद्वीप सेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है। द्वीप समूह भारत में दो हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। दो प्रमुख द्वीप हैं, रांची द्वीप समूह और लबरीद द्वीप। द्वीपों की श्रेणी दो, पहला उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, बेरन आइसलैंड जीवंत ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में है। मुख्य चोटी सैडल पीक चोटी है, सब इन्हीं वर्षा होती है। और दूसरा अरब सागर के लिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। इसमें 36 द्वीप हैं जिनमें 11 पर मानव निवास करता है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा समूह 10 डिग्री चैनल को दो भागों में बांटता है, उत्तर में अमानी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप है। अब्वाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के जल से जल का प्रवाहित होना अब्वाह तंत्र कहलाता है। वाहिकाओं के इस जाल को तंत्र के नाम से जाना जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां से नदियां अपना जल बहाकर लाए। कुछ प्रमुख अब्वाह के प्रतिरूप जो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो। वृक्षाकार प्रतिरूप नदी जब किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहे तो अरीय प्रतिरूप, जब एक दूसरे के समांतर बहे मुख्य नदी व सहायक उनसे समकोण पर मिले। जालीनुमा प्रतिरूप सभी दिशाओं से बहकर जब किसी झील या गर्त में विसर्जित हो। अभिकेंद्री प्रतिरूप नदी व उसकी सहायक नदी जिस क्षेत्र में अपवाहित हो उसे अब्वाह श्रेणी कहते हैं। जल सामर या जल विभाजक जो द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करे। अब्वाह तंत्र का विभाजन समुद्र में जाने वाले जल के आधार पर अरब सागर का अब्वाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अब्वाह तंत्र। भारतीय अब्वाह द्रोणियों को तीन भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी, मध्य नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी अब्वाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर में है। 14 नदियां द्रोणियां शामिल हैं। मध्य नदी द्रोणी अब्वाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर, इसमें 44 नदियां द्रोणियां हैं। लघु नदी द्रोणी अब्वाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर, वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। नोट, हिमालय पर्वत नदियों का उद्गम क्षेत्र स्रोत है। भारत के अब्वाह तंत्र, पहला हिमालयी अब्वाह, गंगा सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियों शामिल हैं। ये नदियां
बारहमासी होती हैं क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। मैदान में आने पर समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान आदि बनाती हैं। विकास मायोसीन काल में 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले ईडो बहम नदी असम से पंजाब तक हिमालय के अर्ध अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ बहती है। विभाजन पूर्व में ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियां, पश्चिम में सिंधु व इसकी सहायक नदियां, पांच मध्य में गंगा बहितमल्द से निकली इसकी सहायक नदियां, नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में से जहां इसे सिग्नी खवान पुकारा जाता है। कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में क्षेत्रफल 321,289 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर। भारत में लंबाई 1,114 किलोमीटर। भारत में जास्कर से प्रवेश लेती हुई कश्मीर में गिलगित के पास महाखंडन बनाती है। पाकिस्तान में चिल्हास के पास दारास्तान प्रवेश प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियां सियोक गिलगित नुब्रा द्रास उंजा जिगार आदि। यह चित्र में दिखाया गया मानचित्र में दर्रे और नदियों के बारे में सिंधु नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र गंगा गंगोत्री हिमनद से 3,900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा द्रोणी व सांस्कृतिक महत्व से देश की महत्वपूर्ण नदी है। देवप्रयाग गंगा कहलाती है। इससे पहले भागीरथी लंबाई 2,525 किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा अवबाह्य तंत्र। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। ज़्यादातर जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। नोट बराकार नदी कभी दामोदर नदी की सहायक व बिहार का शोक कहलाती थी। अब यह दामोदर घाटी कारपोरेशन नाम की बहुउद्देशी परियोजना के बस में है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास से चेमायुंग टुंग हिमनद से है। तिब्बत से आती है जहां इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है। दिबांग और लोहित दो सहायक नदियां मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में यमुना कहलाती है। तिस्ता जो भूटान से आती है इसकी सहायक नदी है। पहचान बड़ी सहायक नदियां होने की वजह से यह बाढ़ मार्ग परिवर्तन का बा तटी अपरदन के लिए जानी जाती है। प्रदीपी अवबाह्य तंत्र हिमालयी अवबाह्य तंत्र से पुराना है।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रदीपी व अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजन का काम करता है। उद्गम उद्विकास तीन भूगर्भित घटनाएं से आरंभिक टर्शियरी काल में प्रदीपी का पश्चिमी पार्श्व घास कर समुद्र तल से नीचे चला गया, जिससे मूल जल के दोनों की योजना अव्यवस्थित हो गई। हिमालय में प्रुथान के साथ प्रदीपी भाग में भ्रंश द्रोणिया बनी, नर्मदा व ताप्ती इन्हीं में बहती हैं। इसी काल में प्रदीपी भाग उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर झुक गया, जिससे इसका अब्बाय बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। गोदावरी सबसे प्रदीपी नदी तंत्र है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नदी में बहने वाले जल की मात्रा पूरे वर्ष समान नहीं रहती, बल्कि ऋतुओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। एक नदी के चैनल में वर्ष भर जल प्रवाह के प्ररूप को बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। बारामती नदियाँ हिमालय से निकलने वाली उत्तर भारत की नदियाँ जल बर्फ पिघलने व वर्षा से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियों के बहाव में उत्तर चढ़ाव देखा जा सकता है। जल विसर्जन समय अनुसार जल प्रवाह नदियों के आयतन का माप क्यू से क्यू मेक में मापते हैं।